Hello friends, welcome in your physics class. For complete course, press subscribe button and bell icon and watch our videos regularly. Hey friends, today's topic is Gauss law. To understand Gauss law, let us understand the concept of electric flux. Electric flux is a measure of electric field through given surface. Kalpana kariye, मेरे पास एक बेहद छोटा सरफेस एरिया है जिसे हम इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस कहते हैं। वैसे तो एरिया स्केलर क्वांटिटी है, मगर यहाँ हम इसे डायरेक्शन असाइन करेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। ये डायरेक्शन एक पॉजिटिव वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस से शो करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम इस एरिया को एरिया वेक्टर कहेंगे। लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन ऑन योर स्क्रीन। इस यूनिफॉर्म फील्ड में यदि मुझे किसी जगह पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सरफेस एरिया ds अराउंड पी ड्रॉ करूंगा। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दिस सरफेस एरिया ds, ये बताएगा मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी हैं। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दिस सरफेस एरिया ds इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये नंबर ऑफ लाइन्स मेजर कैसे करें? इसके लिए हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। The number of lines of force per unit area is the intensity of electric field E. So, number of lines of force हमें मिलेगा electric field intensity into area. Friends, यहाँ number of lines of force indicate करता है flux at a given point. So, number of lines of force का मतलब flux होता है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर ds का डायरेक्शन सेम है, तो फ्लक्स हमें यहाँ मैक्सिमम मिलेगा एंड विच विल बी इक्वल टू E इंटू ds एज पर द डेफिनेशन। लेकिन क्या होगा यदि ds को हम थोड़ा रोटेट कर दे थ्रू एंगल थीटा? देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ds इज गिवन बाय Electric flux d phi is equal to electric field intensity into component of area vector ds along the direction of electric field intensity E. यहाँ हमें मिलेगा d phi equals E ds cos theta. तो d phi को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, vector E dot vector ds. तो flux का मतलब होना चाहिए dot product of electric field intensity एंड एरिया वेक्टर ds. अब यह स्पेशल केस देखिए कि अगर मैं ये एंगल 60 डिग्री का बनाता हूँ तो फ्लक्स थ्रू दिस एरिया वुड बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एंड इफ इट इज मेड 90 डिग्री देन नेचुरली फ्लक्स थ्रू दिस एरिया वुड बी जीरो। क्लियर? सो इन दिस वे द फ्लक्स मे वेरी एज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज। द टोटल फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस एरिया। अब मान लीजिए कि ये ds एक बहुत बड़े एरिया का हिस्सा है। अब इस पूरे एरिया में से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सो टोटल फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस s E dot ds. The SI unit of electric flux can be calculated using the same formula. SI unit of electric field is volt per meter and SI unit of surface area is square meter. The product of these two will be volt meter. Carl Friedrich Gauss, one of the greatest mathematician of all times. गॉस ने रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाया। इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं गॉस लॉ। दिस लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ के अंदर में भी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाया गया है। द गॉस लॉ रिलेट्स द वैल्यूज ऑफ फील्ड एट क्लोज सरफेस
and the total charge enclosed by that surface. The Gauss law states that the flux of net electric field through the closed surface equals the net charge enclosed by the surface divided by epsilon zero, where epsilon zero is a permittivity of free space. Mathematically, the net flux is written as integration of vector E dot vector ds equals to net charge is denoted by Q divided by epsilon zero. फ्रेंड्स, गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मुझे एक क्लोज सरफेस एरिया लगेगा, जो मैंने एक रफ डायग्राम आपके स्क्रीन पर ड्रॉ कर लिया है। ये एक ऑर्बिटरी शेप का एक मैंने क्लोज सरफेस ले लिया है। अब मान के चलिए इसमें नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल है एंड नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस इज प्लस क्यू। पर यह चार्ज अलग अलग जगह पर बटा हुआ हो सकता है या एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है। यूँ मान के चलिए कि अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह P पे कैलकुलेट करनी है जो सरफेस के ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा सरफेस एरिया ds उसके आसपास ड्रॉ कर दूँगा और इस ds में से कितना फ्लक्स जा रहा है वो मुझे निकालना है। इसके लिए मैं एक स्मॉल चार्ज इमेजिन करूँगा प्लस q इस क्लोज सरफेस के अंदर में। ठीक है, तो ये एट पॉइंट O मैंने प्लस Q चार्ज रख लिया है और ये सरफेस से मतलब P से R दूरी पर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट P इज गिवन बाय E इक्वल्स 1/4π0 Q अपॉन R स्क्वायर। इस E का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द O है। Let theta be the angle between area vector ds and electric field intensity E. So electric flux passing through area vector ds is given by E ds cos theta. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखिए अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया है। Q टाइम्स 4π0 ds cos theta अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ds cos theta अपॉन r स्क्वायर का मतलब सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ds एट पॉइंट O होता है। इसे हम d ओमेगा से शो कर देंगे। अभी हमें टोटल फ्लक्स निकालना है एंटायर सरफेस में से, तो इसके लिए इस फ्लक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द सरफेस s। तो हम इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। देखिए इंटीग्रेशन में q अपॉन 4π0 कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा जो हमें मिलने वाला है वो है टोटल एंगल। जरा इस बात को समझ लीजिए, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ और वहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ तो एट दिस पॉइंट मेरा प्लेन एंगल बनता है 2π रेडियन। लेकिन सर्कल के बजाय यदि मैं स्पीयर कंसिडर करता हूँ तो स्पीयर के सेंटर पे मेरा सॉलिड एंगल बनता है 4π स्टेरेडियन। ये बात सभी के लिए लागू है, चाहे वो स्पीयर हो या चाहे वो कोई भी शेप हो। हम किसी भी आर्बिटरी शेप के लिए भी अगर बात करें तो इनसाइड द आर्बिटरी शेप एट अ पॉइंट टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस एंटायर सरफेस वुड बी 4π स्टेरेडियन। तो इसका मतलब है हमें इंटीग्रेशन डी ओमेगा का वैल्यू 4π स्टेरेडियन मिलेगा और वो वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमें मिलेगा टोटल फ्लक्स इक्वल्स क्यू अपॉन 4π0 टाइम्स 4π। दोस्तों यह 4π कैंसिल हो रहा है तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। टोटल फ्लक्स मुझे मिला है क्यू अपॉन इप्सलॉन जीरो। This is true for every electric charge enclosed by the closed surface. अब यहाँ बहुत सारी charges हैं, तो मान लीजिए उसमें से Q1 charge consider किया, तो Q1 charge के लिए total flux बनना चाहिए plus Q1 epsilon zero. यदि वहाँ पर Q2 charge भी है तो total flux due to another charge Q2 ये बनना चाहिए plus Q2 by epsilon. सिमिलरली वहाँ पर जो nth चार्ज है उसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो होना चाहिए प्लस qn बाई epsilon zero। सिमिलरली अगर मैं सबकी टोटल कर दूँ तो मुझे मिलना चाहिए नेट फ्लक्स
which is given by summation I varies from 1 to n qi epsilon 0. Summation qi का मतलब होता है net charge and which is equal to capital Q. So we may write this equation as integration of vector E dot vector ds equals Q upon epsilon 0. This is Gauss law. दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको समझ में आ गया। आपके विचार आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पूरा कोर्स फ्री में पाना चाहते हैं तो बस सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।